ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। वाह हो, सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी, हमारे घर की खुशहाली इसी तरह बरकरार रखें। काका, काकी और संजय कैसे हैं दुबई में? आप बेटा एकदम मजे में, एकदम मजे में। आज सुबह तो संजय से बात भी हुई थी मेरी, बहुत खुश है वहां पर। चलो बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठाकुर जी सौनु बलू करे। बेटा वसुधा, पूनम, आज तुम दोनों भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। जी भाई। बेला, अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बता देना, शर्माना मत। जी आंटी जी। वसुधा, बेटा चिंता न कर, हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। बेटा बेसी जा, चिंता न कर, कोई खुशखबरी लग रही है। साचे फैवा? हाँ, वसुधा की तबीयत देखकर तो यही लग रहा है। ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। अरे बेटा, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, और ऐसी हालत में तो ये सब होना ठीक है। मतलब? अरे बेटा, मतलब यही कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे नहीं नहीं फैबा, ऐसी कोई बात नहीं है, और अभी तो मैंने उस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। जो दिख रहा, इसमें तुम्हारे सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे हालत तो यही बयां कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं फैबा, वो तो बस ऐसे ही, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और अभी तो मुझे मेरी पढ़ाई भी पूरी करनी है। हाँ, और पढ़ाई के साथ तो ये सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कहीं नहीं, तू चुपचाप खाना खा। किसी को कुछ और चाहिए क्या? नहीं भाई, मेरा पेट तो भर गया, मैंने खाना खा लिया।
ललिता बहन बेसो आओ अमन सर बेसने बेस बेस ये बेला को आपने बुलाया है ना रे ना मैं क्यों बुलाऊंगी वसुधा की दोस्त है उसी ने बुलाया होगा और आपने वसुधा को मंजूरी भी दे दी मंजूरी वसुधा ने मुझसे पूछ के थोड़ी ना बुलाया है उसे वो तो जब आई तब मुझे पता चला फिर आपने उसे मना क्यों नहीं किया अब आज के दिन किसी से क्या गिला शिकवा रखना दो तीन रुकेगी और फिर चली जाएगी वो सब तो ठीक है ललिता बहन लेकिन मुझे मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है इसीलिए मैं आपसे बात करने चला आया डर कैसा डर बेला का डर उसके खुले विचारों का डर मैं कुछ समझी नहीं मनसुख बहन इसीलिए तो मुझे डर लगता है कि आपको समझती नहीं मतलब समझती है लेकिन कहती नहीं बहन मुझे तो डर है कि कहीं बेला इस घर में दरारें ना पैदा करता अरे बहन आपको तो पता होगा ना उसका अभी अभी तलाक हुआ है छोटा छेड़ा हाँ लेकिन आपको यह मालूम है कि उसका तलाक किस वजह से हुआ ललिता बहन उसका तलाक हुआ है उसके खुले विचारों की वजह से अपने पति के लाख मना करने के बावजूद भी वो अपने नृत्य की कला को बढ़ावा देना चाहती थी अपने जिद की वजह से उसने पति की एक नहीं सुनी बात तलाक पहुंच गई इसीलिए बहन मैं आपको सावधान करने आया कि ऐसी बहू पर जरा नजरें गड़ा कर रखे ये ऐसा ना हो कि बेला वसुधा को खुले आसमान में उड़ना सिखाते और वसुधा बेव में इसको छोड़कर उड़ जाए तलाक हो जाए छोटा चल रंगोली बनी है ना वसुधा सच बेला बिल्कुल ठीक कह रही हो तो वसुधा वो जो आंटी कह रही थी वो बात सच है क्या कौन सी बात वही खुशखबरी वाली बेला तुम भी क्या अभी अभी तो मेरा करियर शुरू होने वाला है इतनी मुश्किल से तो फैबा ने परमिशन दी है फिर से पढ़ाई करने की अभी मैं बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती और अभी सोचना भी मत अभी तो तुझे अपने सपनों को पूरा करना है बिल्कुल सही लेकिन एक बात मेरी भी याद रखना कि अब तू अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी जो हो गया सो हो गया बेला सब भूल जा ठीक है वो सब कुछ तो मैं कब की भूल चुकी हूँ मैं तो खुश हूँ कि आज मैं निशांत के साथ नहीं हूँ अगर उसके साथ होती ना तो आज भी उसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाती अरे फैबा तुम्हें देखिए ना मैंने और बेला ने मिलकर कितनी अच्छी रंगोली बनाई अच्छी है ना ये क्या है वसुधा आंटी जी इस बार हमने कुछ अलग तरीके की रंगोली बनाने की सोची जिसमें कोई संदेश हो हाँ अच्छा तो इसमें ऐसा कौन सा संदेश है यही कि आजादी जैसी सुंदर चीज और कोई नहीं होती किसकी आजादी की बात कर रही हो इस दुनिया में मौजूद हर एक जीव की बात कर रही हो जो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पा रहा अच्छा बहू क्या तुम भी ऐसी सोच रखती हो हाँ बिल्कुल क्यों वसुधा चुप बीच में मत बोलना मैं मेरी बहू से बात कर रही हूँ जो बेला तुम्हें मेरे घर में रहने की मंजूरी दी है उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी ही बहू को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाओ पर आंटी जी मैंने तो बस बेला मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती नहीं फैबा ऐसी कोई बात नहीं है वो बस उठाओ तुम तो चुप ही रहो अरे तुम्हें अपने भले बुरे की समझ नहीं है तुम्हारी ये दोस्त तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही है और तुम पढ़ भी रही हो
लेकिन आंटी जी मैंने ऐसा क्या किया है? किया क्या है? हमारा घर तुड़वाने पर तुली हो और मुझे पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है? तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। खुद का घर तो संभाल नहीं सकती, दूसरों के घर में आग लगाने पर तुली रहती हो। देख बेला, ये आजाद घूमना फिरना तुम्हें शोभा देता है क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कोई है ही नहीं, लेकिन हमारी वसुधा वो तुम्हारी तरह अकेली नहीं है। उसके आगे पीछे उसका पूरा परिवार है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे घर में आग फूंकने की कोशिश मत करो। फैबा, ऐसा कुछ नहीं है। बेला ऐसा कुछ नहीं करी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मुझसे। एक मिनट वसुधा, बेला ने अपने पति के साथ जो कुछ भी किया है मुझे पता है, और यहाँ भी वो वही सब करवा रही है। खुद का घर तो बचा नहीं सकी, अब दूसरों का घर कैसे टूटे उसी की पैरवी में लगी हुई है। और देख उसने क्या बनाया है, एक काले पिंजरे से उड़ता हुआ पंछी। छी वसुधा, वो कान खोल कर सुन, मुझे मेरे घर के आंगन में ऐसी रंगोली नहीं चाहिए जो एक तलाकशुदा औरत की सोच से बनी। फटाफट इसे मिटा दो, चलो। बल्कि खुशियों से लगता है जैसे हमारी जिंदगी रंगीन हो गई, लेकिन वही जिंदगी का रंगीन पल कब वक्त की ठोकर खाकर बेरंग हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मेरी तो ठीक है वसुधा, लेकिन क्या तुम्हें भी अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह बेरंग से गुजारनी होगी? और हम कर ही क्या सकते हैं बेटा? I'm sorry वसुधा, पर अगर ऐसा ही है तो क्या फर्क रह गया एक शादीशुदा औरत में और एक विधवा में? तुम ठीक कह रही हो बेला, क्या फर्क पड़ता है एक औरत सुहागन हो या ना, लेकिन उसकी जिंदगी के रंगीन और हसीन पल तो उसकी शादी होते ही छीन लिए जाते हैं। वसुधा,
इतनी कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को खुश रखूं, पर पता नहीं कहाँ चूक हो जाती। सच कहूं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर को समझ ही नहीं पाई हूँ। तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं। वसुधा, अरे नहीं 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 वसुधा, अगर मैं यहां रहूंगी ना तो तुझे और तकलीफ होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और अब आदत सी हो गई है बेला। कैसी है तू, किस मिट्टी की बनी है पता नहीं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? नहीं जानती हूँ बेला, मैं क्या करूँ। इतनी कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को खुश रखूँ, पर पता नहीं कहाँ चूक हो जाती। सच कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर को समझ ही नहीं पाई हूँ। तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं। अगर बात सही होती तो समझी जाती, गलत चीजों को समझने की कोशिश करेगी ना तो ऐसे ही दुखी होती रहेगी। एक और बार कह रही हूँ, मुझे जाने दे। तेरी फैबा तुझसे ज्यादा मुझसे दुखी है। नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू वहां करेगी क्या? कितना सोचती है तू सबके लिए। शायद हम ही ऐसे आ गई। तुम्हारी रंगोली हो गई? हाँ, हो गई। चलो अच्छा है। अच्छा मैं थक गया हूँ, मैं सो जाता हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना, ठीक है? आजादी जैसी सुंदर चीज और कोई नहीं होती। हमारा घर तुड़वाने पर तुली हो और मुझे पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है? तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। खुद का घर तो संभाल नहीं सकती, दूसरों के घर में आग लगाने पर तुली रहती हो। देख बेला, ये आजाद घूमना फिरना तुम्हें शोभा देता है क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कोई है ही नहीं। लेकिन हमारी वसुधा वो तुम्हारी तरह अकेली नहीं है, उसके आगे पीछे उसका पूरा परिवार है। अरे जब मैं तेरी जितनी थी ना, तब मैं भी बड़ी तेज थी, चालाक थी, चतुर थी, समझी? हो सच्ची? और नहीं तो क्या? और मैं बिना सबकी टांग बहुत खींचती थी।
फैबा, मैंने आपको हाय बोला। क्या होता है ये हाय? सुना मैंने। अरे जैसे हम पहली बार मिलके किसी को हेलो बोलते हैं, वैसे ही हाय। ये अंग्रेजी भाषा ने सत्यानाश करके रख दिया है कुछ भी। क्यों? अरे क्यों क्या, अरे ये तो कोई बात हुई, हाय हुई हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। अच्छा तो फैबा, आपके हिसाब से किसी से पहली बार मिलने पर क्या बोलना चाहिए? किसी से पहली बार मिले ना, तब उसे जय श्री कृष्ण कहना चाहिए, नमस्कार नमस्ते ये सब कहना चाहिए, समझी कहीं? फिर क्या, जो बात करनी है करो। ओ और क्या बात करूं? चुपचाप ली जवाब दे अपनी बहन को। किस चीज का जवाब? यही कि क्या बात करनी चाहिए, बोल। अब मुझे क्या मालूम कि क्या बात करनी चाहिए? जोयू आडो भी नहीं खबर न थी कि क्या बात करनी चाहिए, बोल बोल। चुप क्यों हो गई ना बोलती बंद? तुझे क्या लगा चपट चपट करने में सिर्फ तू ही माहिर है? अरे जब मैं तेरी जितनी थी ना, तब मैं भी बड़ी तेज थी, चालाक थी, चतुर थी, समझी? हो सच्ची? और नहीं तो क्या, और मैं बिना सबकी टांग बहुत खींचती थी, बहुत तेज थी टांग खींचने में। क्या बात है भाई, बाप आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। बचपन में ये सब शैतानी करनी चाहिए, जरूरी है। देखा आप भी मानती हैं, फिर क्यों मुझे बात बात पे डांटती रहती हैं? हाँ मानती हूँ, लेकिन बचपन में, और अभी तो बच्ची नहीं रही समझी, बड़ी हो गई है। अरे देखिए मैं तो छोटी सी नन्ही सी परी हूँ। अच्छा छोटी सी नन्ही सी परी, कहाँ है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही मेरी परी? इधर आ तो। अरे मुझे दिख नहीं रही है, इधर आना मेरी परी। देखिए छोटी सी तो हूँ। हाँ मेरी नन्ही परी ये ले। वैभा, अरे वैभा छोड़ो, वैभा मैंने तू क्या चाहे? ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई है, बोल बोल शैतानी करेगी? प्लीज वैभा प्लीज छोड़ दो ना वैभा, तू कैसे? पहले मुझे वादा कर कि तू अब शैतानी नहीं करेगी, चल वादा कर। हां वादा वादा, पक्का वादा, पक्का एकदम पक्का वादा, नहीं करूंगी। हां एकदम पक्का। हां करूंगी करूंगी, बहुत सारी शैतानी करूंगी। उबी रहे तू, उबी रहे। वो वादा तो मैंने ऐसे ही कर दिया था आपसे पीछा छुड़ाने के लिए। उबी रहे उबी रहे, उतर। ए तू चुप रह, एकदम चुप। बस और तो कुछ नहीं है। ललिता बहन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। हाँ बोलिए। मैं क्या सोच रही थी, क्या वसु हमारे घर आ सकती है? अगर वो आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। माफ कीजिएगा विवान, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाकी तो सब ठीक है ना?